से पाकिस्तान के हमले ऐवान के सामने आईएमएफ से तय की जाने वाली शरायत सामने लेकर आई जाए, हमें बताया जाए कि अवाम के मुस्तकबिल का क्या सौदा लिया जा रहा है। पोजीशन एक ये मेन स्ट्रीमिंग किस चीज का नाम है और किस ला करना आरए पर तहफुजात एक्शन प्लान पर मनोअन अमल दरामद चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग की गुफ्तगु है इसको भी ऐवान में लाया जाए, इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों को इतमाद में लिया जाए। हम किसी को चिंची और किसी को दुकान देने के इस मशवरे से हम इसके कायल नहीं है जब तक डी वेपनाइजेशन ना की जाए, जब तक उस फलसफे को मानने वाले वो फलसफा ना तर्क करें कि जिस फलसफे के तहत इस मुल्क में आग और खून की होली खेली गई। हम ये तमाम मुतालबात करते हैं और अगर ये मुतालबात के ऊपर इमरान खान साहब और हुकूमत और उन्होंने कान ना धरे तो मैं ये बात आपको वसूख से कह सकता हूं कि खसूसन जो ये बजट लेकर आने वाले हैं और आईएमएफ से जो शरायत तय करने जा रहे हैं इसके नतीजे में इनकी अपनी पार्टी के अंदर शदीद बगावत का खतरा है और शायद ये बजट पास कराने की भी पोजीशन में ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तश्वीश तो होगी कि जिस वक्त वजीर कानून एक इंटरव्यू और रुकी
کہ اگر آئین کا بنیاد تبدیل کرنا ہے تو شاید اس کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ضرورت ہوگی۔ جناب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ چلے تھینک یو۔ Hello.